किसानों का सवाल इस देश के बड़े कृषक समूह का सवाल है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनकी मांगों पर बातचीत से ही नतीजा निकलेगा। आंदोलन करना लोकतंत्र में अधिकार होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष बातचीत के आधार पर ही निकलता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि कृषक संगठनों को इस दिशा में सकारात्मक, जब केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है तो सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के जो इंचार्ज है यूपी, उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस 17 सीट पर लड़ेगी, अब बाकी 63 में सपनी अपना मानता है। जब कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 और 17 सीट पर लड़ रहे हैं, तो ऐसी तो राजनीतिक बीपीएल आपको घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो राजनीतिक बीपीएल के रूप में अपनी भूमिका पर भी अगर इतरा रहे हैं तो कांग्रेस की यह दुर्दशा जो नए दौर में हो रही है वो नई चुनौतियों को खड़ा करेगी। अच्छा, ये अखिलेश यादव बार बार जो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी के, उसको दो दो बार उनको निमंत्रण मिला, उसको जा नहीं रहे, जब उनसे पूछा जाता है बोला कि ऑल इज वेल एंड इन द वेल। इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है एक दूसरे की राजनीतिक टंग खिंचाई में लग गया है। सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को लगातार नकारने का जो काम कांग्रेस ने किया है, तो मन तो आहत है तो राजनीति भी आहत होगा। अभी तो देखिए खेला होता है क्या, एक दूसरे को हराने में लोग लगेंगे। वैसे ही कहते हैं कि वो पिछले 30 साल से एक बात कर रहे हैं, जो मजलिस का विरोध जो लोग कर रहे हैं ना, वो छोटा बीजेपी, असली बीजेपी तो मोदी और आरएसएस है। देखिए अब वो क्या बोलते हैं उनका विषय हो सकता है, वो वैसी धार्मिक उन्माद की राजनीति करते हैं और इस देश के अंदर संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, वह संविधान हर वर्ग और समुदाय के हितों की रक्षा करता है। हाँ, वो वैसी जैसे उन्मादी के राजनीतिक हित की रक्षा नहीं कर सकता। सीट शेयरिंग पर भी केजरीवाल से पूछा गया तो बोला कि लेट तो हो ही गया, लेकिन दो तीन दिन में देखिए कुछ हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए तो पंजाब भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब देखिए इंडिया अलायंस के घटक दल बने हैं तो उनके साथ क्या राजनीतिक सलूक होता है, पंजाब में सीट मिलेगा कि नहीं, दिल्ली में सीट मिलेगा कि नहीं, मिलकर लड़िएगा कि नहीं, इस सब भविष्य के गर्भ में। टिकैत ने कहा है कि जो आंदोलन हम लोग का चल रहा है तो जारी रहेगा, लेकिन हम लोग उम्मीद है कि बातचीत करें, उसी से सोल्यूशन होगा। कृषक संगठनों को किसानों की समस्या उठाने का अधिकार है और एकमात्र रास्ता बातचीत का है, बातचीत का रास्ता से ही समाधान होगा। वैसे ने अखिलेश यादव को तंज कसा, कहा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में वो लड़े भाजपा के खिलाफ, उनको मुस्लिम का वोट भी पड़ा, बहुत मिला, लेकिन वो भाजपा पर तक रोक नहीं पाए। अब देखिए ये तो उनका आंतरिक मामला है, कौन किस पर राजनीतिक टिप्पणी करता है, ये सवाल मेरे लिए समय उचित नहीं। संदेश खाली में क्या हो रहा है नीरज जी, लगातार बातें पड़ रही है, अब तो गवर्नर साहब को तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी को स्थिति नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए, न कि इसको राजनीति का एजेंडा बनाइए। लोगों की जान सबसे कीमती होती है, उनका संपत्ति, उनका जीवन दशा, यही सरकार की जिम्मेवारी होती है, और ऐसी स्थिति में इसको राजनीति का एजेंडा अगर आप बना रहे हैं हिंसा को, अरे हिंसा के लिए कौन गुनाहगार है तो बाद में देखिएगा, अभी तत्काल तो जो वहां अमन चैन बहाल होना चाहिए और जो जिम्मेवार हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाया जा रहा है आप दोषी तो आप दोषी, लेकिन लोग, यही दुर्भाग्यजनक पक्ष है इसका कि भाई स्थिति अनियंत्रित होते जा रही है, राजनीतिक बयान आ रहे हैं, दोषी पर कार्रवाई नहीं हो रही है और वहां अमन चैन नहीं बहाल हो रहा है। पहले अमन चैन बहाल करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।